तो दोस्तों मैं पहले आपको वीडियो चला के दिखा देता हूँ। यूट्यूब पर प्रॉब्लम एक्चुअली में क्या हो रही है वीवो वी नाइन के साथ में, यूट्यूब का फॉल्ट नहीं है, फॉल्ट है इसके अपडेट का। देखिए दोस्तों, जब हम यूट्यूब पर वीडियो प्ले करते हैं इसमें वीवो वी नाइन में, तो उसमें क्या होता है, उसमें यहाँ पर नोच नहीं आ रही है। एक मिनट, मैं इसकी आवाज़ कम कर देता हूँ। इसमें यहाँ पर नोच नहीं आती, तो जो वीडियो का साइज़ है वो पूरी तरह से फुल नहीं हो रहा। कुछ परसेंट यहाँ पर कटा हुआ है, कुछ परसेंट यहाँ पर कटा हुआ है। तो इसी को आज हम दिखाते हैं कि कैसे आपको ये फिक्स करना है। तो दोस्तों, अगर आप वीवो का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो आप सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाने के बाद में आप इसके फ़ोन अबाउट सेक्शन में जाइए। यहाँ पर आप देखेंगे सिस्टम अपडेट। सिस्टम अपडेट पे आपको क्लिक करना है वाईफाई कनेक्शन के साथ में। जब वाईफाई से कनेक्ट कर लेंगे, ये ऑटोमेटिकली आपके पास में आ जाएगा। ये वाला जो अपडेट है वो ऑटोमेटिकली आपके पास में आ जाएगा। उसके बाद में अपडेट आने के बाद में आपको ये इंस्टॉल कर देना है। तो जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो ये जो एरर है वो फिक्स हो जाएगा। अभी क्या है, फ़ोन का जो वो अपडेट आया वो था, वो मैंने पूरी तरीके से डाउनलोड कर लिया है। डाउनलोड होने के बाद में अब वो इंस्टॉल हो रहा है। जैसे मैंने इंस्टॉल पे क्लिक करा, अब वो इंस्टॉल होगा। ये बात आप ध्यान रखें, फ़ोन में 30% से ऊपर बैटरी होनी चाहिए, क्योंकि ये अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लगाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा नहीं कि सभी के साथ में होगी, बट आप कोशिश करिए 30% से ऊपर बैटरी हो आपके फ़ोन में, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। क्योंकि जो अपडेट है वो लगभग 250 MB के आसपास का था, तो उसको इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लगता है। जैसे आप देखेंगे सिस्टम अपडेटिंग, प्लीज डू नॉट परफॉर्म एनी ऑपरेशन। आपको यहाँ पर वेट करना है, ये जब तक पूरा इंस्टॉल हो जाता है तब तक मैं वीडियो कर देता हूँ स्किप। ये जो अपडेशन है लगभग हो ही गई है, थोड़ी सी रह गई है, 50% से अबव हो चुकी है, ये अराउंड 70% हो चुकी है। जो डाउनलोडिंग थी वो इंस्टॉल हो चुकी है। अब ये फ़ोन जो है वो हो गया है स्टार्ट। तो दोस्तों, जो डाउनलोडिंग थी इसका जो अपडेट था वो इंस्टॉल हो चुका है। अभी जो है वो फ़ोन स्टार्ट हो रहा है। तो जब स्टार्ट होगा तो इसमें जो भी बग्स थे, जो भी प्रॉब्लम्स थी, वो सारी सॉल्व हो जाएंगी। आपको परफॉर्मेंस में भी फ़र्क दिखेगा, और नोच का तो मैं बता ही रहा था आपको यूट्यूब वीडियो का। ये देखिए दोस्तों, फ़ोन जो है वो ऑन हो चुका है। तो चलिए इसको ट्राई करते हैं। ये अपडेट होने के बाद में आपको जाना है सेटिंग पर। जब सेटिंग पर जाएंगे उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस। ब्राइटनेस में आकर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पर जाना है। उसके बाद में यूट्यूब पर जाने के बाद में आपको ये कर देना है। अब उसके बाद में हम यहाँ पर आप ऊपर देखने को मिल गया होगा, तो ये जैसे हम ये कर देते हैं, उसके बाद में हम आते हैं यूट्यूब पर। तो अब हम देखेंगे यूट्यूब जो हमारा फिर से स्टार्ट हो चुका है। तो हम इस पर कोई अपनी ही दूसरी वीडियो चला के देखते हैं। देखिए, पिंच टू जूम फिट स्क्रीन यह रखा है। तो जब हम इसको ऐसे कर देते हैं, अब आप देखेंगे जो डिस्प्ले पे है पूरी तरीके से कवर हो चुका है इस पर, और नोच को आप इजीली देख सकते हैं यहाँ पर, और जो साइज है वो पूरी तरीके से हो गया, ये ओरिजिनल आ गया और ये हमारा फुल डिस्प्ले पर हो गया। तो ये जो चीज़ थी ये पहले नहीं हो पा रही थी। मैं आपको और भी किसी वीडियो में करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, आप ये देखेंगे ये भी आपकी फुल स्क्रीन में फिट हो चुकी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो ने आपकी हेल्प करी होगी और वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को कर दो जल्दी से लाइक और कर दो शेयर। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन में क्लिक करके जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही उस बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और कोई भी वीडियो आप फ्यूचर में मिस ना करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।